बड़ी शानदार एक आयत आ रही है स्पेसिफिकली नबी अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों और अहले ईमान के लिए, ताकि उन्हें ये यकीन आ जाए कि वो जो कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला हर लम्हे में उन्हें देख रहा है। जब आपकी ये कैफियत हो कि जिसके लिए आप मुशक्कत उठा रहे हैं वो आपको उस वक्त लाइव देख रहा है, तो वो तकलीफ झेलना आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट दिया है। आप दुनिया में भी जिस दोस्त के लिए कुर्बानी कर रहे हैं ना, और ऐन उस तकलीफ में वो दोस्त आपको देख रहा हो कि इसको मेरी वजह से ये तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो आपको वो तकलीफ उठाना आसान हो जाता है कि जिसके लिए कर रहा था उसे तो पता चल गया, आज मैंने अपनी दोस्ती मनवा ली उससे। और दुनिया में सारी दोस्तियां इसी बुनियाद पे चल रही हैं। खामन पूरी जिंदगी अपनी बीवी को ये बताने की कोशिश करता रहता है मैं तेरे साथ मुखलिस हूं, बीवी अपने खामन को बताने की कोशिश करती रहती है। और कभी जिंदगी में कभी कभार इस तरह के लम्हात भी आते हैं कि वो एन इवेंट ये डिसाइड कर देता है कि आज जो है ना मेरे खामन ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, या आज मेरी बीवी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। वो एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर भारी होता है, क्योंकि आप मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और वो तकलीफ गुजारना भी आप पे आसान हो जाता है अगर आप तकलीफ में भी हो। तो जिस अल्लाह के लिए हम ये जिंदगी तकलीफ में काटते हैं, अगर आपको ये यकीन हो कि ऐन इस लम्हे में अल्लाह आपको देख रहा है, तो तकलीफ झेलना आसान है। लोग कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी करबला में कैसे दी। भाई हुसैन इब्ने अली रियल टाइम ये चीज़ फील कर रहे थे कि इस वक्त मैं अपने रब की खातिर, उसके महबूब के दीन की खातिर यहाँ आया हूँ। उनके लिए वो तकलीफ झेलना आसान होगी, और यही इस तरफ इशारा है। वमा तकूनु फी शअनिन, और ए नबी तुम किसी हाल में भी हो, वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन, और जब कभी भी तुम कुरान की तलावत कर रहे होते हो, कभी ऐसा नहीं होता। वला तामलूना मिन अमलिन, और ना कोई अमल तुम कर रहे होते हो नेकी का। ये तीन चीजें गिनवाई कि कोई भी काम कर रहे हो, कुरान की तलावत कर रहे हो, या कोई भी अमल कर रहे हो, इल्ला मगर ये के इस हाल में होता है कुन्ना अलैकुम शुहूदा, हम उस वक्त देख रहे होते हैं तुम्हें कि नबी तुम इस वक्त। बल्कि अल्लाह ने कुरान में यहाँ तक कहा कि ए नबी जब आप ग़ज़वे बदर और ओहद में सहाबा की सफ़े सीधी करवा रहे थे क़िताल के लिए, तो हम आपको देख रहे थे उस वक्त। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया कि ए नूह हमारी आंखों के सामने और हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो कश्ती बना। वो इतनी बड़ी कश्ती बनाना उनके लिए आसान हो गई, क्योंकि हर लम्हे पे जब अल्लाह आपको बता रहा हो कि अला फट्टा ऐथे लाना है, ऐथे किल ठोकना है, आप ज़रा इसकी लज्जत को फील करें। और कुरान में है कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के ज़रिए वो कश्ती तैयार कर। तो इसीलिए तो फिर वो इतने अरसे में कश्ती तैयार हुई थी, इतना अरसा वो मज़ा एंजॉय किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने गुफ्तगू की, सवाल तो सिर्फ इतना पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, इसका जवाब तो ये था आसा है। लेकिन उन्होंने इस पर इक्तफा नहीं किया, कहा ये मेरे हाथ में आसा है, इसके ज़रिए मैं अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ। किसको बता रहे थे? अल्लाह को। अल्लाह को तो पता है। ये बात करने की लज्जत लेना होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब कभी भी तुम किसी हालत में होते हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, या कोई भी नेकी का अमल, इस हाल में कि अल्लाह उस वक्त तुम्हें देख रहा होता है, इज़ तुफ़ीदून फ़ीह, जब तुम उस काम में मशगूल होते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बुखारी मुस्लिम हदीस है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मुतवज्जे होकर वक्त के पैगंबर को सुनता है जब वो कुरान की तलावत कर रहा होता है। तो नबी इस्लाम इसलिए बड़े शौक से कुरान करते थे, उसकी तलावत किया करते थे। इसलिए तो इतना लंबा क़याम भी होता था, नमाजों का भी और नवाफिल का भी। जब तुम उन कामों में मशगूल होते हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाली ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, और ए नबी तुम्हारे रब की निगाहों से कोई ज़र्रे के बराबर भी चीज ना तो ज़मीन में और ना आसमान में, वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर, और ना ज़र्रे से कोई चीज कम ना ज्यादा, इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, वो अल्लाह ताला के इल्म में है, इस हाल में कि अल्लाह ने उसे पहले ही लोहे महफूज के ऊपर लिख रखा है। यानी ज़मीन व आसमान में कोई ज़र्रे के बराबर चीज़ है या इससे कम या इससे ज़्यादा, वो अल्लाह ताला के इल्म में है, और ऐसे इल्म में है कि वो पहले ही लोहे महफूज में लिखी है। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने हर बंदे के हर अमल से वाकिफ़ है। इसकी वजह से एक तो गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है, दूसरा नेकियों पे इस्तिकामत भी मिल जाती है, इंसान को सब्र करना आसान हो जाता है। तकलीफ तो बहरहाल उसने आपको देनी है, चाहे वो फजर के वक्त बिस्तरा छोड़ने की तकलीफ हो, सर्दियों में गुस्ले जनाबत की तकलीफ हो, गर्मियों में रोज़ा रखने की तकलीफ हो, और पूरी ज़िंदगी रिज़्क की तलाश में मुशक्क़त उठाने की तकलीफ हो। ये सबसे बड़ी तकलीफ है जो पेट लगा हुआ है साथ। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, अगर ये पेट साथ ना हो तो हमारे 99% मसले हल हो जाए। सारी चीज़ें इसी के गिर घूमती हैं ना, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ भी इकोनॉमी की वजह से हो रही होती हैं। हाँ, जो बच्चे बद अखलाक होते हैं लेकिन माँ बाप को खूब पैसा देते हैं, उनके लिए दुआएँ निकलती हैं माँ बाप के दिल से, और जो देते कुछ नहीं सिर्फ खुश अखलाक होते हैं, उनको वो मुंह पे भी जलील करते हैं, पीछे से भी जलील करते हैं। एक नेचुरल चीज है, ये सब कुछ पैसे के गिर्द घूम रहा है। अगर आप दौलत से, माल से इन सारे मामलात को आजाद कर देना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी परमानेंट तकलीफ है जो अल्लाह ने इंसान के साथ अटैच की है। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी अटैच है। सुबह निकलते हैं जानवर अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए, उनको नहीं पता होता कि हमारा रिस्क कहाँ लिखा हुआ है, जिंदा भी वापस आना है नहीं आना। अल्लाह ताला रिस्क पूरा करता है, उनका तकलीफ वो भी उठाते हैं। पूरी जिंदगी जो परमानेंट तकलीफ इंसान उठा रहा है ना, वो ये पेट की तकलीफ है, जो सबसे बड़ी तकलीफ अटैच है, मुशक्कत अटैच है। लेकिन जाहिर है कि ये एक सेंसिटिव चीज़ है, इसीलिए फिर रिस्क हलाल के ऊपर इतनी एम्फसाइज किया गया और रिस्क हराम की इतनी मजम्मत की गई कि इंसान हैरान रह जाता है कि नेकियों पे इतना नहीं उभारा गया जितना इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया। हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद वाले मामलात के अंदर तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में पहले ही लिख रखा है कि किसको क्या तकलीफ आनी है, उसने उसके अगेंस्ट क्या परफॉर्म करना है, उसने अल्लाह की कैसे ताबे फरमान रहना है। ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिखी हुई हैं पहले से ही।